हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखिए, सबसे पहले जो हमने अब तक पढ़ा है, सुना है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। लेकिन क्या वाकई में एटम सबसे छोटा होता है? आज हम जानते हैं कि एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो एटम से छोटे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, फिर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्यों कहा जा रहा है? देखिए, एटम किसी एलिमेंट का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसमें एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड होती हैं। एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है जो उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस कर सकता है। देखिए, आज हम जरा एटम की तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर की दुनिया कैसी है, उसमें से हम कितनी चीजों को जानते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो एटम बेसिकली दो प्रकार के पार्टिकल हैं। नंबर वन इज फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। नंबर वन आर कॉल्ड लैप्टॉन्स एंड क्वार्क्स। लैप्टॉन्स एंड क्वार्क, ये दो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब है कि ये ऐसे पार्टिकल हैं जो खुद किसी और के नहीं बने हुए, जो खुद किसी और के नहीं बने हुए हैं, जो किसी से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, मतलब आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे। जैसे मैं लैप्टॉन्स की बात करता हूं, तो लैप्टॉन्स वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो किसी के नहीं बने होते, जिन पर जनरली चार्ज होता है -1 यूनिट का, या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे लैप्टॉन्स में जो चार्ज जिस पर 1 यूनिट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 यूनिट लिया जाता है। म्यूऑन, म्यूऑन का चार्ज भी 1 यूनिट लिया जाता है। एंड टाउ, ये तीन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका चार्ज -1 यूनिट लिया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास तो चलो कुछ खास नहीं होता, लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इट इज अबाउट 1840 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ये आप सब जानते हैं। लेकिन म्यूऑन्स के मास की अगर हम बात करें, तो म्यूऑन्स इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है। चार्ज तो तीनों का ही -1 यूनिट है, लेकिन म्यूऑन्स का जो मास है, इट इज अबाउट 200 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी म्यूऑन्स का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से हैवी है, 200 टाइम्स हैवी है। और टाओ, हिंदी में इसको ताऊ भी समझ सकते हैं, तो नाम ही इसका ऐसा है, टाओ। तो ये बहुत हैवी है। इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स में सबसे हैवी टाओ होता है, नियर अबाउट 3700 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन्स एंड टाओ, ये तीन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका चार्ज तो -1 यूनिट है, बट मास इन तीनों का डिफरेंट होता है। किसका कितना कितना मास है, तकरीबन मैंने आपको बता दिया है। यानी सबसे ज्यादा मास इन तीनों में जो कैरी कर रहा है वो टाउ है, उससे कम म्यूऑन है, सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का होता है। अब इन तीन इलेक्ट्रॉन्स के अपने तीन न्यूट्रल पार्टनर भी हैं जिनको न्यूट्रिनो कहा जाता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। अब इनके अगर चार्ज की बात की जाए, तो इन तीनों का ही चार्ज न्यूट्रल है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो 6 तरह के हमें दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, इन तीनों का चार्ज -1 यूनिट है, मास मैंने आपको बता ही दिया है। जो न्यूट्रिनो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टॉ न्यूट्रिनो, तीनों के ही न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं जिनका मास बहुत बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल मास होता है तीनों का ही, नेग्लिजिबल
मास, तीनों का ही मास नेग्लिजिबल होता है, तीनों ही तरह के न्यूट्रिनोज का। चार्ज नहीं होगा और मास भी बहुत बहुत कम होता है। तो ये लैक्टोन्स हैं, देखिए ये जनरली आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे कि कभी आपने देखा हो दो इलेक्ट्रॉन मिलके कुछ नई चीज बना रहे हैं, नहीं, ये फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, ये किसी के नहीं बने होते, इलेक्ट्रॉन किसी और का नहीं बना हुआ। लेकिन जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो वो शायद किसी और के बने होंगे। इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ ये किसी के नहीं बने होते, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं कॉल्ड लैक्टॉन्स। छह लैक्टॉन्स होते हैं तो छह इनके एंटी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिनका चार्ज, जो इनका चार्ज है उनसे अपोजिट होगा, बाकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक ऐसी रहेंगी, रिवर्स हो जाएंगी। क्वार्क की बात की जाए तो क्वार्क ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल हैं, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो मिलकर कुछ बना सकते हैं, मिलकर कुछ बना सकते हैं। क्या बनाएंगे वो भी देखते हैं। देखिए क्वार्क जैसे अप, छह तरह के क्वार्क के नाम बड़े प्यारे प्यारे होते हैं इनके, अप, डाउन, चार, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। इनके पीछे की कहानियां भी बड़ी डिफरेंट है, आप गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो क्वार्क्स हैं, इस तरह के छह क्वार्क हैं, अप, डाउन, चार, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। देखिए क्वार्क जो पार्टिकल हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इन पर चार्ज जो होता है दैट इज फ्रैक्शनल चार्ज होता है। इन सभी का जो स्पिन है दैट इज प्लस हाफ, सभी का स्पिन प्लस हाफ होता है, जितने भी क्वार्क हैं सभी का स्पिन प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। लेकिन जब हम चार्ज की बात करते हैं तो अप, चार्म, टॉप, तीनों का चार्ज, तीनों का ही चार्ज जो हमें दिखाई देता है वो फ्रैक्शनल में दिखाई देता है, जैसे +2/3, +2/3, +2/3, ये चार्ज है अप, चार्म और टॉप का। लेकिन अगर हम डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम की बात करें तो चार्ज इनका माइनस में होता है, -1/3, -1/3, -1/3। देखिए क्वार्क जो है ये ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में जुड़ सकते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। लैप्टॉन्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, लैप्टॉन्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, बट क्वार्क आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अप कैन कंबाइन विद चार्म, अप कैन कंबाइन विद स्ट्रेंज या बॉटम, यानी एक जो अप क्वार्क होगा वो इन पांचों से इंटरेक्ट कर सकता है। छह क्वार्क हैं तो इनके छह एंटी पार्टिकल भी होंगे, छह इलेक्ट्रॉन्स हैं तो छह एंटी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिक्स क्वार्क होंगे तो सिक्स एंटी क्वार्क भी होंगे। कहने का मतलब है कि 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 12 क्वार्क हो गए, तो 24 तरीके के कुल मिलाकर टोटल फंडामेंटल पार्टिकल हो रहे हैं, राइट? सो ये हैं हमारे क्वार्क, अप और फिर छह इनके एंटी पार्टिकल हो गए। तो अगर मैं एक टॉप की बात करूं तो एक टॉप क्वार्क कितने रिमेनिंग क्वार्क से इंटरेक्ट कर सकता है? टोटल 12 है तो एक टोटल 11 से कर पाएगा ना, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक क्वार्क कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन से इंटरेक्शन कर सकता है, राइट? चलिए जी, फंडामेंटल पार्टिकल तो एटम के अंदर कुछ पार्टिकल होते हैं जिन्हें कहा जाता है हेड्रॉन्स, मीन्स कंपोजिट पार्टिकल, कंपोजिट पार्टिकल। अब ये कंपोजिट पार्टिकल का मतलब क्या है? देखिए कंपोजिट पार्टिकल का मतलब है जो किसी से मिलकर बने होते हैं, जो किसी से मिलकर बने होते हैं, ऐसे कंपोजिट पार्टिकल को हेड्रॉन्स कहते हैं, जो जनरली बेसिकली क्वार्क से मिलकर ही बनते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, जैसे कि मेजोन्स, जो दो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू क्वार्क्स, और एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट बेरियॉन्स, जो जनरली मिलकर बनता है थ्री क्वार्क से, कंसिस्ट ऑफ थ्री क्वार्क्स, कंसिस्ट ऑफ थ्री क्वार्क्स। इसके दो बेहतरीन एग्जाम्पल होते हैं बेरियॉन्स के, लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, जो
जब हम सोचते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये ही तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जी नहीं, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होते, क्योंकि ये क्वार्क से मिलकर बनते हैं, ये क्वार्क से मिलकर बनते हैं, और ये बेरियोन्स हैं, यानी कि ये थ्री क्वार्क से मिलकर बनते हैं। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो वो अप डाउन तीन क्वार्क से मिलकर बना है, अप अप डाउन, और जो न्यूट्रॉन है वो बना होता है डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप, यानी ये दोनों ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही हमारे लिए बेरियोन्स होते हैं, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ थ्री क्वार्क्स। अगर हमें चार्ज देखना है, जैसे प्रोटॉन का चार्ज +1 है, तो अप का चार्ज कितना होता है, 2/3, फिर दूसरा अप, फिर एक आ गया डाउन, डाउन का चार्ज -3। जब आप इन तीनों को कंपाइल करोगे, आप मिलाकर भी दे सकते हैं, तो ये चार्ज आएगा +1, राइट। प्रोटॉन का चार्ज +1 है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ थ्री क्वार्क्स, अप अप डाउन, +2/3, +2/3, -1/3। न्यूट्रॉन की बात करें तो डाउन क्वार्क एंड अप क्वार्क, तो आप देख सकते हैं इसका चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज कम्स आउट टू बी जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हमें जो दिखाई दे रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दे आर नॉट बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल, दे आर नोन एज हेड्रॉन्स, दे आर कंपोजिट पार्टिकल। कंपोजिट पार्टिकल वो होते हैं जो किसी और के मिलकर बने होते हैं, तो किसके मिलकर बने होते हैं, ये क्वार्क के मिलकर बने होते हैं। क्वार्क ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, जो आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं वो क्वार्क होते हैं, जिनका चार्ज फ्रैक्शन में होता है और मास, जिनका स्पिन सबका बराबर होता है। हाँ, इनका मास सबका डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है मास। इलेक्ट्रॉन्स वो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो किसी के नहीं बने होते, जो किसी के नहीं बने होते इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वार्क भी किसी का नहीं बना हुआ, लेकिन क्वार्क मिलकर कुछ बना सकता है, ठीक है ना, यानी ये वो सब्सटेंस हो गए जिनसे मिलकर मैटर बना है। अब मान लो हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग भी तो मैटर हैं, मैटर क्या है, एटम से मिलकर बना हुआ, तो एटम के अंदर क्या है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्वार्क हैं जिनसे मिलकर पूरा का पूरा एटम बना हुआ है। तो जब हम बात करते हैं एटम की, कि एटम क्या है, कि भाई एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट ब्रोकन डाउन फर्दर, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सपोज करो कार्बन ले लिया, तो कार्बन के अंदर सिक्स प्रोटॉन, सिक्स न्यूट्रॉन और सिक्स इलेक्ट्रॉन का जो एक पार्टिकल हमने बनाया, वो उस एटम की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसमें से प्रोटॉन हटा दूं, एक दो प्रोटॉन हटा दूं या न्यूट्रॉन हटा दूं, तब वो उस कार्बन की सारी प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं करेगा। यानी एटम बेसिकली एक ऐसी यूनिट हो गई जिसमें कार्बन की मैं बात करूं तो सिक्स प्रोटॉन, सिक्स न्यूट्रॉन और सिक्स इलेक्ट्रॉन, इन सब का जो एक कॉम्बिनेशन है, जो एक यूनिट है, वो एक एटम की तरह बिहेव कर रही है, वो कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रही है। लेकिन अगर हम इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग कर दें, तो वो कार्बन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो कार्बन यानी एटम वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में, यानी जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक कॉम्बिनेशन बनता है, तब वो उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट ब्रोकन डाउन फर्दर, तो वो कुछ सही है कुछ गलत है, लेकिन हाँ एटम को तो तोड़ा जा सकता है, और एटम से छोटे पार्टिकल, ये सब एटम से छोटे ही तो पार्टिकल हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल एंड हेड्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल्स आर दोज व्हिच डू नॉट इंटरैक्ट, ये सब आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं, दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कुछ पे चार्ज -1 होता, कुछ पे चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ, इन तीनों पर चार्ज -1 होगा और इन तीनों का कुछ कुछ मास होता है, और इन तीनों के जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, उन तीनों का चार्ज न्यूट्रल होता है और मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। क्वार्क वो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो आपस में मिलकर कुछ नया पार्टिकल बना सकते हैं। क्वार्क वो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो आपस में मिलकर, जो आपस में इंटरैक्ट करके कुछ नए पार्टिकल जनरेट कर सकते हैं। छह तरह के क्वार्क होते हैं और छह इनके एंटी पार्टिकल होते हैं, छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, छह एंटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कुल मिला के 12 इलेक्ट्रॉन और 12 क्वार्क, तो 24 फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर हो सकते हैं।
जो अब तक हम केवल ब्रह्मा विष्णु महेश के तौर पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी समझते आए थे, तो क्वार्क आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, एक अप इन बाकी पांच से कर सकता है, चार इन बाकी पांच से कर सकता है, टॉप इन बाकी पांच से कर सकता है, और छह इनके एंटी पार्टिकल भी है तो उनसे भी कर सकता है। तो बहुत तरह के परमोटेशन प्लस कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाते हैं। अप डाउन सभी का जो स्पिन है वो प्लस हाफ है, लेकिन चार्ज डिफरेंट होता है। आप सभी जानते हैं कि वो फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल होता है क्वार्क के अंदर। तो अप चार और टॉप तीनों का चार्ज है +2/3, और डाउन स्ट्रेंज और बॉटम तीनों का चार्ज -1/3। इन सभी का मास अलग अलग होता है, राइट। हेड्रॉन्स आर नोन एज कंपोजिट पार्टिकल बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ क्वार्क्स, क्योंकि वो क्वार्क से मिलकर बने हैं, ये खुद छोटे पार्टिकल नहीं है, क्वार्क से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें कंपोजिट पार्टिकल कहा जाता है। अगर वो दो क्वार्क से मिलकर बना है तो मेसोन्स कहा जाता है, तीन पार्टिकल से मिलकर बना है तो उसे बेरियोन्स कहा जाता है। और दो बेरियोन्स के बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन इज बेसिकली ए हाइड्रॉन, प्रोटॉन इज बेसिकली ए बेरियोन्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ थ्री क्वार्क, अप अप एंड डाउन, और न्यूट्रॉन जो है डाउन डाउन एंड अप। तो किस तरह से इन पे चार्ज +1 और 0 आ रहा है ये आपने देखा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बिल्कुल ऐसे बढ़ते जाने चाहिए जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल आज आपने इतने सारे बढ़ा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।